वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई कल आप लोग को वीडियो में शोर बड़ा सुनाई दे रहा होगा कि भाई ये शोर किस चीज़ का है, तो मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। ये सामने जो हमारे घर था ना, जो वीडियो में अक्सर आता था यार, ये जो है ना टूट चुका है। इधर कोई नए लोग आना चाह रहे हैं, तो अभी रिसेंटली जो पुराने लोग रहते थे वो तकरीबन भी 50 साल से पुराने रहते थे, लेकिन वो यहाँ से सेल आउट करके चले गए और अब इन्होंने ना किसी और को सेल आउट कर दिया। तो ये जो है ना, अब क्या कहते हैं, जिन्होंने नए लोगों ने परचेस किया ना, उन्होंने इसको पूरा तोड़ना है और नया बनाना है, और फिर शायद वो जैसा उनका दिल चाहे करें। तो लेकिन ये ना दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर इन्होंने इतना तेज काम किया यार कि फटाफट सारी चीज़ें निपटा दी। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को ना वहाँ जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो भाई, अब हो गया है टाइम फिंचो का, अब मैं आपको फिंचो की अपडेट देता हूँ। आगे चले आगे। ये भाई पहले तो आप इनको देख लीजिए। हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हो? आइए, थोड़ा सुकून में दिख रहे हैं भाई। ओहो, ये इनकी जो लॉटरी लगी थी ना आज, ये सेठ साहब बने ना भाई। अब वो देखे सामने से, अंदर से भी झांक रहा था। चले भाई, ये दोनों भी बाहर है भाई आज, तो एक ये और दूसरा ये रहा, ये देखे, वेरी नाइस। चले अब ये इनकी अपडेट देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसी बैड न्यूज़ ना हो आज जैसे कल थी। तो भाई ये बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल सुकून में है और बड़ा ही सुकून कर रहे हैं भाई। ये देखे, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना वैक्सीन वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी फिंचें जो है ना अपने आप को खुजा रही हैं। अगर आप देखें ना, बहुत सारी फिंचें खुजा रही हैं अपने आप को। तो इनकी वैक्सीन वगैरह आती है, वो मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह। इसी वजह से इनकी फीदर प्लकिंग हो रही है, जो सारे बाल गंजे हो रहे हैं ना, थोड़े से जड़े जड़े से, ये इसको कहते हैं फीदर प्लकिंग। इसकी वजह से भी होता है कि इनको जो है ना कोई, जैसे इंसानों को वो लाइस वगैरह हो जाती है ना, ऐसी इनको भी होती है। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि इसकी रिपोर्ट जो है आज तो मच बेटर है भाई। और ये जो बीमार था ना नीचे वाला, ये भाई उड़ने फिरने चलना शुरू कर दिया। तो ये देखें, ये थोड़ा सा ना अभी सुकून में आ गया यार। तो यार असल वजह जो इनकी ये इतना खुजाने की आ गई ना, वो सामने ये आ गई। ये देख रहे आप सारा पानी वाला, मेरे भाई ने इसको पानी दिया है ना इसके अंदर। तो ये क्या करती है कि जैसे ही पानी दो ना, ये सब के सब ये करके इसके अंदर आती है और नहाना शुरू कर देती है। तो बेसिकली इन्होंने ना तभी नहाना शुरू किया हुआ था और मैंने आप लोग को दिखा दिया। और ये जो है ना अभी अपने पर को झाड़ रही है ताकि इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो अब मैं आपको एक और बात बताऊँ कि यार ये जो आप देख रहे हैं ना कि नेस्टिंग मटीरियल हमने डाला था, तो ये नेस्टिंग मटीरियल जो है ना हमने ये आधा आधा हो गया तकरीबन, जितना डाला था ना आप लोगों ने याद होगा, आपको देखा होगा आप लोगों ने, इतना ज़्यादा था लेकिन ये थोड़ा सा रह गया। यार कल हम कोशिश करेंगे कि कल हम जो है ना इनकी कुंडलियों में जाके आप लोग को दिखाऊं मैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग को भी कह रहे होंगे यार ये सिर्फ बाहर बाहर से दिखा देता, अंदर से नहीं दिखाता। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं आप लोग को ना अंदर से दिखाऊंगा। यार वो जो कल बीमार बीमार था ना, आज ये बैठा हुआ है, देखिए ये देखिए ये देखिए, आज अपनी गर्दन जो है ना पीछे मोड़ के बैठा, सोच रहा हूँ अंदर जाके इसको देख ही लूँ कि क्या हुआ क्या। यार मैं तो भूल ही गया, आप लोगों से भी तो पूछना था कि आप लोगों को ये सेटअप सारा कैसा लगा जो मैंने नया केज बनाया है, उसके बारे में मुझे बताएं कि आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको मैं और डिफरेंट तरीके से डेवलप करूँ, तो आप उसका भी बताइएगा ताकि मैं उसको भी डेवलप करूँ। तो भाई ये जो शोर था कल जो आप लोग महसूस कर रहे थे, वो तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको और देता हूँ। एक भाई ये खड़ा हुआ, ये देखें यार, ये लोग बड़े मेहनती होते हैं यार, अपने मतलब हाथों से सारे काम करते हैं। और ये देखें, एक वो दो खड़े और एक ये खड़ा हुआ, ये बेचारे यार इतने मेहनती होते हैं, इनको धूप पसीना, हालांकि बहुत धूप हो रही है, देखें धूप देखो कैसा सूरज निकल रहा है यार, इसके अंदर से नज़र आ रहा सूरज, वरना वैसे नज़र आँखों से तो नहीं देख पाते, मैं तो इसके अंदर ही देख रहा हूँ। तो यार ये जो है ना धूप की वजह से, धूप भी है लेकिन इन ये बेचारे लगे रहते हैं यार, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए यार। तो चलो भाई काम की तरफ चलते हैं जल्दी से, काम क्योंकि आपको पता है कि अभी ब्रेक का टाइम है, खाना वाना मैं खा चुका था, नमाज़ भी पढ़ ली थी, अभी मैं जाता हूँ काम पे, काम के बाद फिर शाम में आप लोग से मुलाकात करते हैं। यार मैं जैसे ही जा रहा था मैंने देखा ये कोकोनट के, थोड़ा सा अपडेट आपको दे दूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो इसको देख चुके थे ऑलरेडी। ये देखें ये कोकोनट जो है ना हमारे, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको बनने में, कुछ तैयार हो चुके हैं, जैसे कि ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये सेंटर में जो बिल्कुल ये रेडी है, और इधर भी इसके अंदर भी जो है ना ये वाला रेडी है, ये सामने ये सेंटर में, ठीक है?
तो कोशिश करेंगे आपके सामने इसको तोड़ेंगे सैटरडे या संडे को। भाई जैसी गर्मी आई ना तो हमारे पास ये आ गया है, इसको क्या कहते हैं भाई, दूध सोडा। इसमें पाकोला होता है, मिल्क होता है। तो भाई ये देखें यार, ये सब पी के निपटा चुके हैं, सिर्फ मेरा रिमेनिंग रहता है। जल्दी से पीते हैं यार, इसको निपटा देते हैं वरना ये भी कोई पी जाएगा। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब शाम का वक्त होता है तो कुछ ना कुछ लगती है हल्की फुल्की भूख, तो मुझे लग रही थी भूख और मैंने सोचा कि क्या करूं। तो मैंने जो है ना ऑर्डर कर दिया है पिज्जा मैक्स स्टिको सैंडविच। आप लोगों में से किस किस लोगों ने खाया है मुझे जरूर बताइएगा। अब जब वो आता है ना तो फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वो कैसा लगता है यार। उसके साथ ना गार्लिक सॉस भी होती है, वो जब आएगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने ऑर्डर किया पिज्जा मैक्स से, पिज्जा मैक्स से स्टिको सैंडविच। ये दिखाता हूँ मैं आपको यार, इतना मज़े का लग रहा है, देख रहे हैं आप लोग, क्या बात है यार, क्या बात है। ये इसके साथ इन्होंने गार्लिक सॉस दी है, थोड़े से फ्राइज़ हैं, टोमेटोज हैं और सैलड लीव वगैरह और कोकम्बर भी है और कोल्सलो भी है इसके अंदर। तो भाई जल्दी से खाते हैं यार। यार ये मैंने हाफ ले ली है और अब मैं इसको इसके अंदर डिप करता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसका जूसी लम्मी यमियस बाइट बनाया है, देखें आ रहा है ना मुँह में आप लोगों के पानी, है ना, दिखाता हूँ भैया। बहुत ही ज़बरदस्त यार। भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल के अंदर। तो फिर मुझे अब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।